में अमित शाह के नेतृत्व में मध्य क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक, यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। बैठक में 18 पॉइंट पर होगा मंथन। आबकारी घोटाले में संजय सिंह के करीबियों पर शिकंजे की तैयारी, समन्स पर ईडी हेडक्वार्टर पहुंचे संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी। कल सर्वेश मिश्रा से हुई थी 9 घंटे तक पूछताछ। बिहार में जातीय जनगणना के नतीजे सामने आने के बाद नीतीश कुमार पर मंत्रिमंडल में बदलाव का बढ़ा दबाव। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने यादव समुदाय के अलावा दूसरी पिछड़ी जातियों को ज्यादा मंत्री पद देने की उठाई मांग। उसकी उतनी हिस्सेदारी यह लागू हो। भारत के फरमान के बाद कनाडा ने हटाए अपने राजनयिक। भारत से 41 राजनयिकों को सिंगापुर और मलेशिया समेत दूसरे देशों में भेजा। भारत ने 10 अक्टूबर तक हटाने का दिया था अल्टीमेटम। सिक्किम में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए जवानों ने तेज किया रेस्क्यू ऑपरेशन। 16,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे लोगों को आईटीबीपी के जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला। अब तक 26 लोगों की मौत, 142 लापता। फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल ने की युद्ध की घोषणा। चरमपंथी संगठन हमास ने भी भरी हुंकार। फिलिस्तीन के रॉकेट हमलों में कई नागरिकों की मौत के बाद इजराइल का फूटा गुस्सा। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। भारत ने अब तक 100 मेडल जीत कर रचा इतिहास। पुरुष हॉकी और महिला कबड्डी टीम ने हासिल किया गोल्ड मेडल। तीरंदाज ओजस देवताले ने 3 गोल्ड मेडल पर लगाया निशाना। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दी बधाई। हुई मेडल्स की बौछार, इस बार 100 पार। एशियन गेम्स में क्रिकेट के फाइनल में आज होगा भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में गोल्ड मेडल जीतने उतरेगी भारतीय टीम। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज लीडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल।